हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है और एक बार टेक्नोजोलॉजी की और एक नए एपिसोड के अंदर। और दोस्तों, फाइनली रियलमी C2 में आ गया है हमारा रियलमी UI 1.0 का अपडेट। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे सिस्टम में जाके आप लोग अगर गौर से देखो सिस्टम अपडेट में चेक करके, तो सॉफ्टवेयर अपडेट में अगर आप लोग चलते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रियलमी UI 1.0 आ चुका है और एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यार बहुत ही सारा फीचर ऐड कर दिया गया है। वीडियो बहुत ही होने वाला है दोस्तों। वीडियो शुरुआत करने से पहले बोल दूं, चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह मैं डालता रहता हूं। और वीडियो अच्छा लगा है तो मन से एक लाइक कर देना, मन में कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, आज का ये जो अपडेट है हम लोग पूरा कर लेते हैं। और अपडेट हमने कंप्लीटली कर चुके हैं और यहां पे गाइस अपडेट नाउ पे क्लिक करके भी दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। और गाइस, फाइनली इतना टाइम बाद आप लोग देख सकते हो रियलमी UI 1.0 हमने इंस्टॉल कर लिया। और सबसे पहले तो बता दूं, ये बीटा वाला वर्जन हमने इंस्टॉल किया है, स्टेबल वर्जन यहाँ पे नहीं मिलता, तो थोड़ा बहुत बग यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। और मैं क्या किया दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग में सबसे पहले जाके जो आपका मिलता है रियलमी लैब, यहाँ पे आके दोस्तों स्मूथ स्क्रोलिंग नाम का जो ऑप्शन है इसको मैंने ऑन करके रखा, क्योंकि थोड़ा बहुत लैग मुझे टचिंग इशू देखने के लिए मिल रहा था। तो अभी मेरे को लगता है कोई भी यहाँ पे इशू नहीं मिल रहा है स्मूथ स्क्रोलिंग ऑन करने के बाद। ये वाला फीचर Realme का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ऐप ड्रॉयर में आके अगर आप लोग देखो तो ड्रॉयर मोड पूरा चेंज हो चुका है। ऐप जो ऑप्शंस आते थे, ऐप का जो कस्टमाइजेशन था, पूरा यहाँ पे चेंज हो चुका है दोस्तों। नोटिफिकेशन ड्रॉयर भी यार बहुत ही मस्त लग रहा है, क्योंकि कलर वाइज में यार उतना मजा नहीं आता था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स है, सब कुछ एक्सप्लेन करके बताएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों सेटिंग में सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा जो वर्जन है चेक करके। तो सॉफ्टवेयर अपडेट में चलते हैं। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हो C.53 नाम का मेरा जो वर्जन है मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब फीचर में जाके मैं आप लोगों को थोड़ा चेक करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सारे एकदम लंबा फीचर्स है, सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, दिल थाम के बैठिए। और सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन बार यहाँ पे मस्त सा हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ब्राइटनेस घटाने बढ़ाने का यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, इसमें ऑटो मोड भी आता है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छे फीचर्स है। यहाँ पे ऊपर में आप लोगों को एक एडिट वाला ऑप्शन मिलता होगा, यहाँ पे आके आप लोग इन सारे ऑप्शंस को ऐड कर पाओगे। अगर आप ऊपर में लेना चाहते हो यहाँ से, तो आप लोग देख सकते हो सारे ऑप्शंस यहाँ से ऊपर में आप ऐड कर सकते हो, सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसको करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको बाहर चले जाना है, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली। अब इसके अंदर भी बहुत ही सारे चीज़ देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो बता दूँ, ग्रीन कलर का आता था पहले, अभी ये नीला कलर का हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। फ्लैश लाइट को अगर मैं ऑन करता हूँ नीला कलर होता है, आप लोग देख सकते हो। वाईफाई में भी नीला कलर, तो ऐसे नीले कलर सभी ऑन कर दिए गए यहाँ पे। बहुत ही सारे बेड टाइम मोड, फोकस मोड, पावर सेविंग मोड, यार बहुत ही मजा आ जाएगा अभी यूज करते हुए। अब ड्रॉयर मोड में जो ऐप्स आते हैं ना यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग इसकी कलर एक्यूरेसी देख सकते हो, पूरा यहाँ पे जो ऐप का साइज है चेंज हो चुका है, आइकन वगैरह बहुत ही कूल लग रहा है देखने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग के अंदर भी बहुत ही सारे ऑप्टिमाइजेशंस किए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो और भी बहुत ही सारे चीज़ मिलते हैं, देखते रहिए दोस्तों। गाइज यहाँ पे अबाउट फोन में चलते हैं और वर्जन आप लोगों को दिखा देता हूँ। उससे पहले आप देख सकते हो डिवाइस नेम C2 है और एंड्रॉयड 10 हमारा रन कर रहा है रियलमी UI 1.0 के साथ। एंड्रॉयड 10 का ये जो वर्जन है मैं आप लोगों को चेक करके पहले दिखा देता हूँ। गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंड्रॉयड 10 के ऊपर ये रन कर रहा है और दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्या बताओ यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है। रियलमी C2 यूज़र्स, आप सभी लोगों को भी बहुत ही जल्दी स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल ये जो सिक्योरिटी पैच था जनवरी महीने का था और मुझे मिला है C.53 नाम से। आपको अभी तक मिला है कि नहीं, आप लोग मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। वैसे ये Realme UI वर्जन 1.0 के साथ मिलता है दोस्तों, Realme UI 2.0 भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा इस डिवाइस के ऊपर। दोस्तों ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा एकदम सिस्टम ही Realme ने चेंज कर दिया है दोस्तों, देख सकते हो बहुत ही फास्ट ओपनिंग हो रहा है। वैसे यहाँ पे WhatsApp को भी ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो
पूरा चीज़ चेंज हो चुका है। यहाँ पे रिसेंट टैब में चलते हैं, ये भी बहुत ही स्मूथ चल रहा है, तो लैग वगैरह अभी थोड़ा कम देखने के लिए मिल रहा है दोस्त। वैसे दोस्तों और भी एक अपडेट आएगा इसमें, और वो अपडेट आपका जो भी बग्स है उसको फिक्स कर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो अभी सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे चलते हैं। यहाँ पे जाके आपको डार्क मोड एंड आई कंफर्ट मोड देखने के लिए मिलता है, पहले भी मिलता था लेकिन डार्क मोड में यार कुछ अलग सा मज़ा आ चुका है। आप लोग देख सकते हो इसका जो पूरा एनिमेशन है पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप लोग आके डार्क मोड का जो सिस्टम है, यहाँ पे सनराइज टू सनसेट, इसमें आप लोग जाके पूरा सिस्टम चेंज कर सकते हो और बहुत ही सारे नए नए फीचर्स इसमें ऐड कर दिए गए, आप लोग देख सकते हो। तो अभी अपडेट में चलते हैं। सबसे पहले स्मार्ट साइड बार आप लोगों को मिल जाता है, गॉट इट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे स्मार्ट साइड बार आप लोग देख सकते हो, ये वाला एक नया चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले सकते हो। वैसे और भी ऐप्स यहाँ पे आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, आपके जो यूजेस होता है उसके मुताबिक दोस्तों। यहाँ पे मानिए मैं फेसबुक को ऐड कर दिया, यहाँ पे आ चुका है देख सकते हो। तो ये वाला एक स्मार्ट साइड बार आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों इस अपडेट के बाद। इसके बाद दोस्तों बात की जाए गेम स्पेस की, तो गेम स्पेस का वर्जन मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। गेम स्पेस में भी आप लोगों को अच्छा खासा ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है, वर्जन 2.0.63 मिलता है दोस्तों, जो कि आपके गेमिंग को और भी इन्हांस कर देगा। वैसे गेम स्पेस आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर आप लोग इसको टैप करके रखते हो, यहाँ पर देख सकते हो वेजेट्स, वॉलपेपर, इफेक्ट्स, सेटिंग, ये चीज़ हमें अलग सा देखने के लिए मिल रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको वॉलपेपर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करते हैं और देख सकते तो यार नया नया वॉलपेपर ऐड कर दिया गया है, बहुत ही कस्टमाइज लग रहा है, जो कि आपको पहले देखने के लिए नहीं मिलता था दोस्तों। देख सकते हो बहुत ही सारे कस्टमाइज वॉलपेपर हमें मिलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मोर वॉलपेपर में अगर आप लोग क्लिक करते हो, यहाँ पे देख सकते हो स्टैटिक वॉलपेपर और फोटोज, जैसे कि आप कस्टमाइज आपका कर सकते हो। स्टैटिक वॉलपेपर में आने के बाद यहाँ पे आपका बहुत ही सारा वॉलपेपर ऐड कर दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। तो वॉलपेपर में बहुत ही सारे कस्टमाइजेशन हो चुके हैं। फिलहाल लाइव वॉलपेपर के बारे में अपडेट में बताया गया था, लेकिन मुझे देखने के लिए अभी तक लाइव वॉलपेपर नहीं मिला। आपके पास आया होगा तो आप लोग जरूर दोस्तों नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब गाइस यहाँ पे सेटिंग में थोड़ा चलते हैं। ये सेटिंग दूसरा सेटिंग है, आपको पता है। इस सेटिंग में जाके आप लोगों को ड्रॉयर मोड और होम मोड यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड सिंपल मोड में आप लोग जा सकते हो। फिलहाल मैं अभी ड्रॉयर मोड को यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को ड्रॉयर मोड अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले कीबोर्ड हो एंड एंटरिंग ऐप ड्रॉयर, तो इसको हम लोग ऑन कर देते हैं और सिंपली बैक में चलते हैं। अगर आप लोग ड्रॉयर मोड पर चलते हो तो यहाँ पर आपका जो कीबोर्ड है ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो इस मोड को आप लोग यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत ही फास्ट काम चाहिए, आपको कीबोर्ड चाहिए तो आप लोग जाके इसमें यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों लॉक होम स्क्रीन लेआउट, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो आप लोग इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। आइकॉन पुल डाउन जिस्टर मोड भी यहाँ पे आ चुका है, तो इसको भी आप लोग ऑन ऑफ करके रख सकते हो आपको ज़रूरत हो। इसके बाद ऐप सजेशन वाला जो यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको मैं ऑफ करके रखता हूँ, मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि यहाँ पे ऐप सजेशन मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको मैंने ऑफ कर दिया। इसके बाद दोस्तों ऐप एनिमेशन स्पीड, ये वाला ऑप्शन आपको नया मिलता है। इसमें एनिमेशन जो आता है कोई भी ऐप ओपन करने के बाद, इसको आप लोग नॉर्मल, स्लो, फास्ट ये सब कर सकते हो, तो मैं नॉर्मल ही करके रखता हूँ क्योंकि फास्ट करने से थोड़ा बहुत यहाँ पे बैटरी ड्रेन होता है दोस्तों, तो इसको मैं नॉर्मल करके रखता हूँ। इसके बाद दोस्तों स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन गेस्चर आपको मिलता है, तो यहाँ पे सर्च है, मैं इसको नोटिफिकेशन ड्रॉयर करके रखता हूँ क्योंकि यहाँ से खींचने में बहुत ही मजा आता है दोस्तों। आपको पहले ऊपर से खींचना पड़ता था, लेकिन यहाँ से अभी खींचने से आपका जो नोटिफिकेशन ड्रॉयर है आ जाता है इसको ऑन करने के बाद। इसके बाद गाइस आप लोगों को ये डबल टैप लॉक वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसको थोड़ा यहाँ पे बैक में आके दिखाता हूँ। इसमें डबल टैप करने पे ऑफ हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को एक नया देखने के लिए मिल जाता है। वैसे यहाँ पे डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट भी मिलता है, अगर आप लोग कोई भी ऐप को अपडेट करते हो आपके ऐप के ऊपर एक डॉट आता है, तो उसको आप समझ पाओगे कि ये वाला ऐप अपडेट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को आइकन स्टाइल मिलता है, ये चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगता है। आर्ट आइकॉन और कस्टम वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आइकन को आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हो, बहुत ही अच्छा यहाँ पे फीचर लगता है। ये मुझे रियलमी UI का ये वाला फीचर यार बहुत ही मस्त लगता है मुझे। इसके बाद और भी नए नए स्टाइल में आप लोग इसको चेंज वगैरह कर सकते हो, फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट में ही अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है।
इसके बाद दोस्तों वाईफाई में अगर आप लोग चलते हो, वाईफाई में आप लोगों को डुअल चैनल वाला ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोगों के पास डाटा कनेक्शन है और वाईफाई दोनों ही है तो ये एकदम सिंपली सेम चलाएगा दोनों को। आपका डाटा कनेक्शन में कोई भी अदर्स चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, इश्यूज़ वगैरह नहीं आएगा। तो इसमें प्राइवेसी भी बहुत ही सारे ऐड किया है रियलमी यू आई 1.0 ने, अपडेट में बताया गया था। तो आप लोग अपने हिसाब से वाईफाई को यूज़ कर सकते हो डुअल चैनल वाला ऑप्शन यूज़ करके। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट साइड बार आपको मिलता है। यहाँ पे चलने के बाद कैलकुलेटर अगर आप लोग ऑन करते हो तो ये फ्लोटिंग विंडो की तरह काम करता है। वैसे फ्लोटिंग विंडो और भी कस्टमाइज़ किया जाएगा रियलमी यू आई 2.0 के अंदर। फिलहाल अभी आप लोगों को कैलकुलेटर वाला ऑप्शन में फ्लोटिंग विंडो देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फोटो में चलते हैं। एल्बम जो आता है यहाँ पे नया देख सकते हो, पूरा चेंज हो चुका है। एल्बम्स वगैरह आप लोग चेक करके देख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो, आके मानिए कि यहाँ से मैं एक चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, आप लोग डिलीट भी कर सकते हो। करने के बाद दोस्तों आप लोग पीछे चलते हो और रिसेंटली डिलीट नाम का एक नया ऑप्शन आता है। यहाँ से आप लोग आके इसको रिस्टोर भी कर सकते हो, जो कि पीछे में चला जाएगा और आपका जो पहले वाला फ़ोटो जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। आप लोग जाके चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो देख सकते हो ये वाला फिर से आ चुका है डिलीट और रिस्टोर करने के बाद। तो ये एक नया यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। वैसे और भी बहुत ही सारे मिलते हैं ऑप्शंस, देख सकते हो। डॉग वॉल्ट भी ऐड कर दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे और भी कुछ लोकेशन पीपल वगैरह डिटेक्टिंग होगा। फिलहाल अभी तो इंस्टॉल है, कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही सारा ऑप्शन मिल जाता है। गैलरी जो ऑप्शन है इसको पूरा रियलमी ने चेंज कर दिया है इस अपडेट के बाद। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर में आप लोगों को रियलमी शेयर देखने के लिए मिल जाता है। अगर रियलमी शेयर के बारे में बात करूँ तो ये अभी ओप्पो वीवो और शाओमी के डिवाइसेज में भी सपोर्ट आता है दोस्तों। आप कोई भी चीज़ अपने डिवाइस से ओप्पो वीवो शाओमी सभी डिवाइसेज में भेज सकते हो, कोई भी दिक्कत आप लोगों को रियलमी शेयर में नहीं मिलेगा देखने के लिए। अभी दोस्तों सेटिंग में भी आप लोगों को सर्च वाला ऑप्शन मिल जाता है। अगर इसमें आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे मानिए कि मैं गेम यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, तो गेमिंग कुछ मैं लिख देता हूँ और लिखने के बाद इसको सिंपली कट देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो हिस्ट्री वगैरह होता है ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है दोस्तों। और सर्च करने पे गेम अगर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सजेशंस वगैरह आता है। तो सेटिंग में जाके आप लोग अभी सर्च वगैरह कर सकते हो। ये वाला नया ऑप्शन सेटिंग में आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। अब नीचे दोस्तों Realme लैब में फिर से चलते हैं और ऊपर में आप लोग देख सकते हो Realme का जो डुअल मोड ऑडियो सिस्टम है ऐड कर दिया गया है। फिलहाल मेरे पास अभी दोस्तों कोई भी ईयरफोन यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने ईयरफोन को कनेक्ट नहीं किया। लेकिन आप लोग एक ही फ़ोन से आप लोग दोनों ईयरफोन को चला सकते हो, ब्लूटूथ हो चाहे यहाँ पे पिन वगैरह लगा के आप लोग ईयरफोन चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये वाला फीचर मुझे लगा है दोस्तों, रियलमी डुअल मोड ऑडियो जो फंक्शन मिलता है यार, बहुत ही मस्त फंक्शन है। वैसे रियलमी का ये सबसे हाईलाइटिंग फीचर भी एक निकल के आता है दोस्तों। साउंड एंड वाइब्रेशन में भी अगर आप लोग चलते हो तो यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को मिल जाता है, और ये चीज़ आप लोगों को मिलता है दोस्तों रियल साउंड टेक्नोलॉजी। इसको अगर आप लोग यूज़ करते हो कोई ईयरफोन लगा के, तो इसमें रियलमी का बहुत ही सारा इक्वलाइज़र आपको इनबिल्ट मिल जाता है दोस्तों, जो कि आपके गाने को और भी अच्छा सुनाई देने में बहुत ही कारगर साबित होता है। तो रियल साउंड टेक्नोलॉजी आपको अभी रियलमी यू आई 1.0 में मिल जाता है रियलमी C2 के अंदर। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे बैटरी ऑप्शन में चलते हैं। बैटरी ऑप्शन आप लोग देख सकते हो पूरा चेंज हो चुका है। पावर सेविंग मोड आ चुका है, सुपर पावर सेविंग मोड भी आ चुका है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अब फोन बैटरी यूजेस ऐप क्विक फ्रीज, ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लोग इन सारे चीज को ऑन करके रखते हो तो आपका ऐप यूज करने के बाद अगर आप लोग उसको खुला रख देते हो तो वो ऑटोमेटिकली दोस्तों फ्रीज हो जाएगा, बैटरी ड्रेनिंग इशू आपका सब चला जाएगा। मानिए मेरी बात, इस चीज को आप लोग जरूर ऑन करके रखना। ये ऐप क्विक फ्रीज वाला जो ऑप्शन है रियलमी यूआई का सबसे अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। और स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में आपको बैलेंसिंग मोड पे आपको रखना है, ऑफ मैं यहाँ पे कर दिया, बैलेंसिंग मोड पे रखना है। तो ये चीज़ भी बहुत ही अच्छा है, आपका जो बैटरी है उसको आराम से आप लोग यूज़ कर पाओगे। परफॉर्मेंस मोड पे चलना है, यहाँ पे आपको स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड पे रख देना है ताकि ऑटोमेटिकली ये जो बैटरी यूजेस है इसको अच्छी तरीके से ढान ले और ये अच्छा खासा बैटरी आपको दे दे, यूजेस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। पावर सेवर ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे आपको स्लीप स्टैंडबाय ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, इसको भी आप ऑन करके रखना। और जब आप रात में सोओगे उसके बाद दोस्तों आपका जो फ़ोन है बैटरी ड्रेनिंग बहुत ही कम करेगा और सुबह उठ के आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो इसको ज़रूर ऑन करके रखना यार, ये बहुत ही मस्त चीज़ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में चलते हैं और सबसे बढ़िया फीचर
प्रोसेस मैनेजर पे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिस्टम ऐप और थर्ड पार्टी ऐप्स जो भी आपके मोबाइल में रन कर रहे हैं, इसको एकदम से क्लीन करने के लिए ऊपर में एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप चाहो तो क्लीन कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे टैप करके आप एक एक करके सभी ऐप को बंद कर सकते हो। आपके फ़ोन में जितने भी बैटरी ये खा रहा है, इसको एक बारी में आप टैप कर देते हो तो पूरा ऐप्स वगैरह एक साथ में ऑफ हो जाएगा और आपका बैटरी ड्रेनिंग भी बहुत ही कम होगा, जो कि सबसे बढ़िया फीचर है दोस्तों Realme UI 1.0 का। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को रीसेंट टास्क मैनेजर वाला एक ऑप्शन मिलता है और डिस्प्ले रैम मेमोरी वाला एक ऑप्शन मिलता है, इसको आप लोग ऑन करके ही रखना, ताकि अगर आप लोग इसको ऑफ करके रखते हो कौन सा रैम कितना खा रहा है यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, और अगर आप लोग इसको ऑन करके रखते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका रैम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग ऑन करके रखना, आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऐप कितना रैम खा रहा है और आपके मोबाइल में कितना रैम अभी फ़िलहाल बचा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका इंटरफेस पूरा चेंज हो चुका है दोस्तों, बहुत ही सारे नए नए कस्टमाइजेशंस किए गए हैं। यहाँ पे डिलीट ओरिजिनल इमेज आफ्टर एडिटिंग एक ऑप्शन है, अगर आपको ओरिजिनल इमेज पसंद नहीं है आप एडिट करते हो स्क्रीनशॉट लेने के बाद, तो पीछे वाला जो आपको मिलता है असली जो स्क्रीनशॉट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा एडिट होने के बाद। इसके बाद दोस्तों स्क्रीनशॉट साउंड को आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो और प्रीव्यू वगैरह कर सकते हो दोस्तों, लेफ्ट में आएगा, अगर आप लोग प्रीव्यू राइट में करना चाहते हो राइट में कर सकते हो। थ्री फिंगर स्वाइप डाउन वाला ऑप्शन तो पहले ही मिलता था, इसके बाद दोस्तों नया ऑप्शन यहाँ पे थ्री फिंगर टच एंड होल्ड वाला ऑप्शन, अगर आप लोग थ्री फिंगर यहाँ पे टच करके रखते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है नया सा, आप लोग देख सकते हो, इसको आपको ऑन करके रखना है। तो ये चीज़ यार मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा, आप लोग देख सकते हो ऐसे आप लोग कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लगता है या आपसे कैंसिल भी कर सकते हो तो ये चीज़ अच्छा है। बटन वाला ऑप्शन, अगर आप लोग यहाँ पे बटन खींच के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो सभी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है दोस्तों इस UI अपडेट के बाद। इसके बाद दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन नया आ चुका है देख सकते हो। सिस्टम साउंड अभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपके सिस्टम में जो भी साउंड है रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्रंट कैमरा वाला ऑप्शन आपको मिलता है, आप इससे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फ्रंट कैमरा में आपका जो फेस है गेमिंग करते वक्त जो लाइव स्ट्रीम वगैरह होते हैं उसमें आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट टचेस आते हैं जो स्क्रीनशॉट करते वक्त, वो चीज़ भी आप लोग इससे कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट में भी बहुत ही सारे कस्टमाइजेशन Realme UI 1.0 में किया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैमरा में चलते हैं, कैमरा ऑप्शन को आप लोग थोड़ा देख लो, क्योंकि पहले जो कैमरा ऑप्शन आपको मिलता था उससे पूरा अलग मिलता है देखने के लिए, पूरा यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड वगैरह मिल जाता है। मोड सेटिंग में अगर आप लोग चलते हो तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो टाइम लैप्स, स्लोमो, पैनोरामा, ये सब मोड यार बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड भी यहाँ पे आ जाता है, और ऊपर में आपको क्रोमा कास्ट वाला ऑप्शन भी मिल जाता है जैसे कि Realme, Oppo सभी फ़ोन्स में आते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग चलते हो टाइमर, फुल फ्रेम, सभी ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों को कैमरा ऐप में देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही इंप्रूवमेंट के साथ आ जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फाइल मैनेजर को ऑन कर लेते हैं और यहाँ का जो इंटरफेस है आप लोग देख सकते हो पूरा टोटली चेंज है। फ़ोन स्टोरेज में यहाँ पे आपका जो स्टोरेज है पीला कलर का दिखाता है, इतना स्टोरेज हमारा बचा है और इतना यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। फोटोज़, वीडियो अलग अलग से इसको आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो। व्हाट्सएप का जो स्टोरेज यहाँ पे जमा होता है यहाँ से आप लोग जाके क्लीन वगैरह कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगा है। फ़ोन स्टोरेज में आप लोग यहाँ से चल सकते हो। तो फाइल मैनेजर का जो इंटरफेस है इसको भी पूरा दोस्तों चेंज कर दिया गया है इस अपडेट के बाद। इसके बाद दोस्तों फ़ोन मास्टर में चलते हैं और इसके अंदर आपको बहुत ही सारे कस्टमाइजेशंस मिलते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। प्राइवेसी परमिशन, पेमेंट प्रोटेक्शन और ऐप मैनेजमेंट में आप लोग चल सकते हो, वन टैप करके इसको आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ से स्कैनिंग वगैरह होता है और ये चीज़ यार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्लियर डाटा नाम का एक ऑप्शन पहले आता था, अभी तक Realme UI 1.0 में नहीं दिया गया, Realme UI 2.0 में आ जाए इसके बारे में थोड़ा सा मसला चल रहा है, तो आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। फिलहाल अभी ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है, वन टैप ऑप्टिमाइजेशन आपके फ़ोन में अवेलेबल हो चुका है दोस्तों इस अपडेट के बाद। सबसे लास्ट दोस्तों फ़ोन वाला जो यहाँ पे ऐप मिलता है इसका इंटरफेस आप लोग देख सकते हो, पूरा एकदम चेंज हो चुका है, पूरा यहाँ से आप लोग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। वैसे यहाँ पर आके आपका जो आइकन वगैरह आता है सेटिंग में, अगर आप लोग चलते हो तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्रोफाइल फ़ोटो आप लोग सेव कर सकते हो। प्रोफाइल पिक्चर में जाके इनिशियल्स में मैं रखता हूँ क्योंकि ये वाला चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में सब आता है, पहले
कुछ आइकन वगैरह आ रहा था, तो ये चीज़ अभी मुझे अच्छा लग रहा है देखने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड को आप लोग चेक कर सकते हो, ये भी कुछ अलग सा लग चुका है, यहाँ पे पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ से आप लोग ABCD करके सभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इसको निकाल सकते हो। तो फ़ोन जो यहाँ पे ऐप आता है ये भी चेंज हो चुका है दोस्तों इस अपडेट के बाद। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो रियलमी UI 1.0 का, जो कि रियलमी C2 में ऑफिशियली आ चुका है दोस्तों। स्टेबल वर्जन अभी तक नहीं आया, मैं यहाँ पे दोस्तों बीटा वाला वर्जन इंस्टॉल किया मेरे डिवाइस पे, बग ऑफिशियली आप लोगों को ज़रूर हर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद एक अपडेट आएगा और अपडेट में बग्स वगैरह फिक्स किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन करके रखना, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जब भी रियलमी UI 1.0 के बारे में, रियलमी C2 का कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ, आपके पास तुरंत वीडियो नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले और एक लेटेस्ट वीडियो में रियलमी C2 के एक नए अपडेट के साथ। सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।